ज्यादा लोमड़ी मत बन, तेरी चालाकी अच्छे से जानते हैं हम। तो इस कराड़ का क्या करने वाली है? वही जो तू समझी, ये पैसा स्वरा का है, तेरा नहीं। तू उसका सब कुछ मत छीन। अच्छा, और जो उसने हमारा इतना कुछ छीना उसका क्या? सुहागन के एपिसोड में हम देख रहे हैं लीप आ गया है और यहाँ पर बिंदिया और कृष की मौत हो जाती है और जो उसकी बेटी है स्वरा वो बड़ी हो गई है। अब भी ध्वनि भी इसकी जिंदगी में आ गई। यहाँ पर ध्वनि एक नौकरानी की बेटी है जो स्वरा का ध्यान रखती है। सुनना मत नहीं, तूने हमारे हिस्से का दूध तक पिलाया है उसे, और तो और फेफड़े फट जाते हमारे उसके हिस्से का बोल बोल के खुद का भी बोलूं और उसका भी, और बदले में क्या देती है वो हमें? बाबा जी का ठुल्लू, इसलिए छीनना पड़ता है। और स्वरा बोल नहीं पाती है तो ध्वनि उसकी आवाज बन के सारी चीजें करती है। अब भाई वो पूरा फायदा भी उठाती है, जितने पैसे हैं स्वरा के पास वो सारे खर्च करती है। अभी हमने एक प्रोमो भी आएगा देखने में जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ध्वनि जो है ना कार भी खरीद लेगी स्वरा के नाम से। स्वरा, आज तुम्हारा स्पेशल डे है, ये सब तुम्हारे लिए तो मंगाया मैंने। अब तुम खाओगी नहीं तो वेस्ट ही होगा ना। एनीवेज चलिए यहाँ से शॉपिंग करने चलते हैं ना। स्वरा को गुस्सा भी आएगा और वो ध्वनि को बोलेगी तुमने क्यों कार खरीद ली है और तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए। तो यहाँ पर वो उसको समझाएगी कि देखो अब तो आ गई ना, और अगर मैं इसको बेचने जाऊंगी ना तो आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ना उसको पागल बना देती है। और यहाँ पर स्वरा इतनी सीधी है ना कि वो ध्वनि की बातों में आ जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। अरे तुझे कौन शॉपिंग कराना चाहता है, शॉपिंग तो हमें करनी है। स्वरा तुम्हारी स्पेशल क्लास का टाइम हो गया। नहीं मैं नहीं आ रही, तुम जाओ मुझे कुछ काम। अब भाई वेदांत इन लोगों की जिंदगी में आ गया है। हमने देखा ना किस तरीके से सुहाग को लेकर ही स्टोरी होने वाली है। मतलब पायल और बिंदिया के बीच में जो पहली कहानी थी ना सुहाग को लेकर, यहाँ पर एक दूसरे से झगड़ा होता था, एक कृष को लेकर हुआ था। यहाँ पर पायल ने क्या कुछ नहीं किया था, लास्ट में भाई बिंदिया और कृष की मौत भी करा देती है और पायल इस समय जेल में है। लेकिन अब ध्वनि और जो स्वरा है वो क्या करेंगे? भाई जो स्वरा है वो तो बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत सीधी है, लेकिन ध्वनि नहीं लग रही है। क्योंकि ध्वनि बार बार ना डायलॉग बोलती रहती है कि देखो मैं तेरा स्वरा तेरे से सब कुछ छीन लूंगी और जो भी तेरे पास है वो सब मेरा होगा। तो यहाँ पर अब वेदांत की इन लोगों से मुलाकात हो गई है और वेदांत इनके कॉलेज में फ्रेंड है और यहाँ स्वरा को वेदांत से प्यार हो जाता है और यहाँ पर उल्टा है कि जो वेदांत है उसको ध्वनि से प्यार हो रहा है। तो अब वो लव ट्रायंगल स्टार्ट हो गया है, जैसे हमने देखा था ना कि सुहागन में हुआ था, पहले पायल और कृष को एक दूसरे से प्यार हो गया था, फिर कृष को धीरे धीरे करके बिंदिया से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर स्वरा को वेदांत से प्यार हो गया और वेदांत को भाई ध्वनि से प्यार हो जाएगा। और जो ध्वनि है ना वो बड़े अलग तरीके की लड़की है, यहाँ पर ध्वनि को ऐसा लड़का चाहिए जो उसको ऐशो आराम दे सके। तो अब देखते हैं वेदांत भाई किसका फ्रेंड बनेगा, स्वरा का बनेगा या ध्वनि का बनेगा।